हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छा प्रिपरेशन चल रहा होगा और होप सो कि आप लोग बिल्कुल एनर्जेटिक हो गए होंगे, क्योंकि अब आखिरी पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं एग्ज़ाम के, बिल्कुल प्रिपरेशन के आखिरी पड़ाव पे हैं। एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, कमर आपने भी कसी होगी, हमने भी कस लिया है। तो हम लेके आ रहे थे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। जैसे आप देख रहे थे पिछले चैप्टर एलिहाइड कीटोन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा था, उसके आगे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कंडीशन पूछूंगा, पहले आप मुझे बताएंगे कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, जैसा हर बार होता है। ये लिख रहा हूँ कंडीशन, आपके पास CH3 है और ये NH2 है, ये रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH। आपको बताना है कि ये रिएक्शन कौन सा है, इसका नेम रिएक्शन क्या है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पे आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट जरूर आया होगा, क्योंकि ये अमीन का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक। आपके पास क्वेश्चन पूछेगा कि क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन पे शॉर्ट नोट्स लिखिए, या पूछेगा कि राइट फोर पॉसिबल प्रोडक्ट। लिख रहा हूँ कंडीशन की राइट फोर पॉसिबल प्रोडक्ट, समझना ध्यान से, फोर पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन प्रोपानॉल एंड ब्यूटानॉल इज रिएक्टेड। ठीक है, प्रोपानॉल एंड क्या लिख रहा हूं, ब्यूटानॉल इज रिएक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। ऐसा कंडीशन हो, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं। प्रोपानॉल की अगर आप बात करेंगे तो प्रोपानॉल का मतलब होता है, ये है प्रोपानॉल CHO, ठीक है, ये लिख रहा हूँ CH3 और CH2 और CHO। ब्यूटानॉल की बात करेंगे तो CH3 CH2 CH2 और ये है आपके पास ब्यूटानॉल। अब अगर इनका रिएक्शन आप डाइल्यूट NaOH के साथ करोगे तो डाइल्यूट NaOH के साथ, जैसे आपने अल्फा हाइड्रोजन देखा तुरंत समझ गया एल्डोल है, अगर दोनों डिफरेंट मोल है तो निश्चित तौर पे ये क्रॉस्ड एल्डोल है। और क्रॉस्ड एल्डोल में ऑलवेज चार प्रोडक्ट बनते हैं डियर फ्रेंड्स। अब वो चार प्रोडक्ट कैसे आपको बनाना है ये समझा रहा हूँ आपको, समझो ध्यान से इधर। सबसे पहले आप चार पेयर बनाओ, कैसे, एक बार ये खुद अपने ही मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनता है CHO और प्लस CH3 CH2 और CHO, ये बनेगा आपके पास। एक बार अपने ही मोल के साथ रिएक्ट करेगा ये, एक बार ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा CH3 CH2 और ये CHO। दिख रहा है कंडीशन आपके पास, और मैंने क्या बोला, दूसरे ही मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हो गया आपके पास इस तरह से CH2 CH2 और CH3 और ये CHO। ये इसका दूसरा मोल ले लो इसी का, CH3 CH2 CH2 और CHO। तो डियर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक बार इसने खुद अपने मोल से रिएक्ट किया, एक बार इसके साथ रिएक्ट किया, एक बार ये अपने साथ रिएक्ट किया, दो हो गया। एक बार ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो CH3 और CH2 और ये बनेगा CHO, और इसके साथ रिएक्ट करेगा मतलब समझो ध्यान से, ये बनेगा CH3 CH2 CH2 और CHO, मैंने क्या बोला समझना, ठीक है ना। और एक बार ये इससे साथ रिएक्ट करेगा, आप सोचोगे सर ये इसके साथ या इसके साथ, दोनों तो सेम है, डिफरेंस आएगा अभी मैं बता रहा हूँ। ये अब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसको पहले लो, तो यहाँ पे कंडीशन बनेगा CH3 CH2 CH2 और ये CHO बना, और ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो CH3 और CH2 और ये बन जाएगा आपका CHO। बात समझ गया कंडीशन। अब देखो इधर ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आएगी, कैसे रिएक्शन कराना है। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, ये है फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस अल्फा हाइड्रोजन को अब जो है क्या करना है आपको, यहाँ से H प्लस को लेके चलना है दूसरे माइनस पे, और H प्लस गया तो बिना इलेक्ट्रॉन का, तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पर नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव पे, तो यहाँ पे ये कंडीशन बनेगा क्या, CH3 और ये बनेगा CH2, क्लियर है। और यहाँ पे आएगा C और O माइनस के साथ जाके जुड़ेगा H, तो ये हो जाएगा OH, और ये C के साथ क्या है, H है, और इस प्लस पे जुड़ेगा ये CH, इस प्लस पे जो है ये जुड़ेगा CH, और इसी CH के साथ जुड़ा हुआ है CH3 भी, और इधर CHO, तो इसके साथ जुड़ा हुआ दोस्त CH3 और इधर जुड़ा हुआ है क्या, CHO। तो ये आपके पास एक कंडीशन आ रहा है, देखो एल्डोल बन रहा है 1, 2, 3 एल्डिहाइड प्लस ऑल, दिख रहा ना। अब क्या करना है आपको, कंडेंसेशन, मैंने क्या बोला था आपको कि कंडेंसेशन जब भी करोगे हमेशा ध्यान रहे 1, 3 के बीच वाले से करना है, तो यहाँ से आपको H2O निकाल देना है और निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड बना देना है, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, बना लोगे आगे, क्लियर है बिल्कुल। अब देखो इधर आओ, इस पे आओ,
यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है। अभी सी एच टू को मैं लिख सकता हूँ, सी एच एच लिख सकता हूँ ऐसा, तो आपको क्या करना है, दूसरे से अल्फा हाइड्रोजन को उठाना है और लेके चलना है माइनस पे, और एच प्लस जब चला गया तो यहाँ माइनस बचा, ये माइनस जाएगा अब कहाँ, प्लस पे, तो ये बनेगा कंडीशन सी एच थ्री, और ये सी एच टू, और ये सी एच टू, और सी ओ माइनस के साथ अल्फा हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना दिया, ओ एच बना दिया, और इस सी के साथ क्या है, सी एच है, और इस प्लस पे आके कौन जुड़ेगा, अब सी एच जुड़ेगा, और इसी देखो यहाँ पे ये सी एच जुड़ा ना, यहाँ इस सी एच के साथ सी एच टू सी एच थ्री जुड़ा हुआ है, और सी एच ओ भी जुड़ा हुआ है, तो इस सी एच के साथ सी एच टू सी एच थ्री भी जुड़ा हुआ है, और इसके साथ सी एच ओ भी जुड़ा हुआ है। देखो एल्डिहाइड प्लस ऑल एल्डोल बना, कंडेंसेशन कराने के लिए 1,3 के बीच से वाटर निकालो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, बन जाएगा कंडेंसेशन, हो जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल एकदम कोई डाउट नहीं, बिल्कुल गुड। पता है डियर फ्रेंड्स क्या करना है आपको, देखो अभी अगला सुनो, जैसे मान लो अब इसको लेके चलते हैं, कार्बन ऑक्सीजन में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉजिटिव है, यहाँ से अगर आप देखोगे बेटा तो यहाँ से ये H प्लस है, ये H प्लस जाएगा माइनस के साथ, और ये माइनस जाएगा प्लस के साथ, तो ये बनेगा कंडीशन सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू, और सी ओ एच बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ये H गया तो यहाँ क्या हो गया ओ एच। अब इस माइनस को लेके आओ यहाँ पे, तो यहाँ पे लेके आएंगे सी प्लस पे, तो इस सी प्लस पे जहाँ ओ एच बना है इस पे लाएंगे इसको, तो यहाँ जोड़ेंगे ये क्या सी एच जोड़ दिया इस पे, ये सी एच जुड़ा। अभी सी एच के इधर सी एच थ्री भी है सी एच ओ भी है, एक तरफ सी एच थ्री लगा दो एक तरफ सी एच ओ लगा दो, अब देखो यहाँ 1,2,3 हो गया, तो ये बन गया लोल। अब कराना है कंडेंसेशन, तो बीच वाले से कराना है, यहाँ से ये एच टू निकाल दो, हो गया कंडेंसेशन। आया समझ में, बोलो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, इधर आओ। कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या होगा कंडीशन, यहाँ से निकलेगा H प्लस, ये माइनस के साथ जाएगा, और ये जो माइनस है ये आपका प्लस के साथ जाएगा, ये H प्लस सॉरी ये H प्लस जाएगा कहाँ पे, माइनस के साथ, और ये माइनस प्लस के साथ, तो ये बनेगा दोस्त सी एच थ्री सी एच टू, और C O माइनस के साथ H गया तो बना ओ एच, और C के साथ H जुड़ा तो सी एच, और प्लस पे आएगा माइनस सी एच, और इस माइनस के साथ है सी एच टू सी एच थ्री, ये सी एच टू और ये सी एच थ्री, और इधर सी एच ओ, ये बना आपके पास एल्डोल। क्या बना, एल्डोल। अब क्या कराना है आपको, कंडेंसेशन कराना है, तो मैंने क्या बोला कंडेंसेशन में, 1,3 के बीच वाले 1,2,3,3 के बीच वाले हाइड्रोजन से H2O निकालो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, हो गया कंडेंसेशन। तो आपको बोल रहा है चार पॉसिबल प्रोडक्ट बनाओ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल, यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल। आपको बोलेगा कि आइडेंटिफाई करो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है, पहले मुझे बताओ आया कि नहीं आया। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। आप लोग बोल रहे थे कि सर आप सीरीज जल्दी जल्दी देते रहिए, मैं बिल्कुल आपको सीरीज दे रहा हूँ, पूरा सीरीज दूंगा, लेकिन दिक्कत क्या है ना, मैंने बोला नहीं कि लोग नहीं देख रहे हैं ज़्यादा, नहीं देख रहे हैं ज़्यादा, और प्लस लाइक और कमेंट ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं मुझे, तो इस वजह से थोड़ा मनोबल गिरता है। अगर आप लोग अप्रिशिएट करेंगे और शेयर करेंगे निश्चित तौर पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा, क्यों नहीं बनाऊंगा, ये तो मेरा काम है, और एग्जाम के टाइम में आपको हेल्प नहीं करूँगा तो कब करूँगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास क्या बनता है, लिखेगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फर्स्ट सिंपल कैनिजारो रिएक्शन, ये लिखेगा सिंपल कैनिजारो रिएक्शन, या आपको दे देगा सीधा कि कैनिजारो रिएक्शन पे शॉर्ट नोट्स लिखो, ठीक है ना, समझ रहे हो बात। अगर ऐसा कंडीशन होता है डियर फ्रेंड्स, तो कैनिजारो रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हो कंडीशन क्या बोल रहा हूँ, ऐसा एल्डिहाइड एंड कीटोन लेंगे, समझना ध्यान से, बिल्कुल ऐसा नहीं करने का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एल्डोल कंडेंसेशन बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए होता है, बट कैनिजारो ओनली एंड ओनली एल्डिहाइड के लिए होता है। तो आपको ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अब यहाँ देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन का सवाल ही नहीं उठता है, इसका मतलब यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन या जीरो अल्फा हाइड्रोजन। अब इसको क्या करना है आपको, कंसनट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करा देना है, समझ रहे हो बात। अब डाइल्यूट नहीं लेना है, क्या लेना है आपको, कंसनट्रेटेड लेना है, मेरी बात समझ रहे हैं, क्यों बोल रहा हूँ कंसनट्रेटेड। अगर आप कंसनट्रेटेड NaOH के साथ लेंगे तो इसका दो मोल लेना है, कितना मोल, दो मोल, और आपको करना क्या है, एक का ऑक्सीडेशन करना है और एक का रिडक्शन करना है। एक का ऑक्सीडेशन अगर आप करेंगे तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है, पता है आपको, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन ऐड कर दो तो एसिड बन जाएगा, और जो एसिड में H बन रहा है ना, ये इस H को हटा के लगा दो Na, बस इतना ही तो याद रखना है।
और एक मोल का रिडक्शन करना है, रिडक्शन जब होता है बेटा तो रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, यहाँ तोड़ दो तो ये सी एस थ्री बन गया और OH बन गया, मतलब अल्कोहल बनेगा, तो ये सी एस थ्री और ये क्या बन जाएगा, OH बनेगा। तो आपको एक पूछेगा सीधा कंडीशन कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कैनिजारो रिएक्शन, तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या करना है, समझ में आ गया, कि एल्डिहाइड लेना है वो भी अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ना हो, ठीक है ना, और दूसरा रिएजेंट के रूप में डाइल्यूट NaOH ना लेके कंसनट्रेटेड लेना है। तो अल्डोल से डिफरेंस भी आपको पता चल गया, एक क्वेश्चन ये आपके पास आ गया। एक क्वेश्चन आपके पास बनता है डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा डिस्टिंग्विश के ऊपर, ठीक है ना, लिखेगा डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है, अगर डिस्टिंग्विश का कंडीशन होगा या डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग कंपाउंड, आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपको लिखता है इस तरह का कंडीशन कि ये आपके पास है इथानल है और दूसरा बोल रहा है प्रोपानॉन है, बोल रहा है इनमें डिस्टिंग्विश करना आपको। तो जब भी आपको केमिस्ट्री में डिस्टिंग्विश की बात करेगा, आपको केमिकल टेस्ट दिखाना है, क्या दिखाना है, केमिकल टेस्ट। अब केमिकल टेस्ट सर कैसे करेंगे, सर बहुत आसान है, इसको कर दो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट केवल एल्डिहाइड के लिए होता है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी केवल एल्डिहाइड के लिए होता है। तो ध्यान रहे, जब भी आपको ऑर्गेनिक में डिफरेंशिएट के लिए पूछे, डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन पूछे, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे एल्डिहाइड और यहाँ कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ये डिस्टिंग्विश नहीं करना है। अगर केमिस्ट्री में डिस्टिंग्विश की बात करता है ऑर्गेनिक में, इसका मतलब आपको केमिकल टेस्ट से डिफरेंशिएट करके दिखाना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, टॉलेंस रिएजेंट लेते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है बेटा, एसिड में ऑक्सीडाइज करता है ये, ठीक है ना, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनेगा और यहाँ पे जिलिब्रेट होगा सिल्वर पाउडर। लेकिन अगर आप कीटोन लेंगे, इसका रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट से करेंगे, तो ये रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट ओनली एंड ओनली फॉर एल्डिहाइड। इतना बात क्लियर हो गया, ठीक हो गया कंडीशन। अब देखो, अगर मान लो ऐसा कंडीशन है, दूसरा डिस्टिंग्विश आपको लिखता है प्रोपानॉन, प्रोपानॉन का मतलब हो गया सी एस थ्री सी ओ और ये सी एस थ्री है, समझ रहे हो बात, और एक लिखेगा कंडीशन पेंटेन टू ऑन, पेंटेन टू ऑन का मतलब हो गया ये ओ और सी एस टू सी एस थ्री, अब पेंटेन थ्री ऑन, ठीक है, ये आपको क्या लिख दिया, प्रोपानॉन लिख दिया, और इधर क्या लिख दिया, पेंटेन टू, ये पेंटेन थ्री ऑन। आपको डिस्टिंग्विश करना माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। अब दोनों कीटोन है, दोनों कीटोन है, तो निश्चित तौर पे ये न तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा न टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा। अगर नहीं देगा सर तो होगा क्या, बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ क्या होगा। यहाँ पे रिएक्शन हम लोग करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ और इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब यहाँ तीन मोल क्लोरोफॉर्म है, तीन मोल NaOH आपको ले लेना है, बात समझ रहे हो। अब क्या होगा डियर फ्रेंड्स, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये नहीं लेना है दोस्त। एक्चुअली कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हम आयोडीन लेंगे, क्या लेंगे, आयोडीन थ्री मोल और तीन मोल बेस लेंगे। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ सी एस थ्री सी ओ ग्रुप, अगर ये ग्रुप प्रेजेंस होगा तो आयोडोफॉर्म देगा, अदरवाइज आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। और अगर ये देगा आयोडोफॉर्म, तो ये सी एस थ्री आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट होगा, आयोडोफॉर्म सी एच आई थ्री होता है, बाकी के ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, जो बच जाएंगे वो, तो ये सी एस थ्री सी ओ और ओ एच बन जाएगा, एसिड बन जाएगा ऑक्सीडेशन से, एसिड बनेगा तो एच को हटा के एन ए लगा देना है, बात क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बात बिल्कुल। या फॉर्मूल एन ए एच लेते हैं, ठीक है। अब एक एन ए चला गया तो थ्री एन ए बचा, और तीन आयोडीन चला गया तो तीन बच गया, तो थ्री एन ए आई निकला और बाकी टू एच टू ओ निकला, तो ये कहलाएगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। बट अगर आप यहाँ देखोगे डियर फ्रेंड्स, तो ना तो इधर से सी एस थ्री सी ओ ग्रुप है ना इधर से, यहाँ तो सी एस टू सी ओ ग्रुप है, हमें चाहिए सी एस थ्री सी ओ आयोडोफॉर्म के लिए। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम आयोडोफॉर्म टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे हमें लिखना है नो रिएक्शन, मतलब दिस कंपाउंड डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, राइट। तो आपके पास इस तरह का डिस्टिंग्विश का केस आएगा, आपको जरूर दिमाग में रखना है, अगर ऐसा डिस्टिंग्विश का केस आएगा देन ये आयोडोफॉर्म देगा। एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जैसे डिस्टिंग्विश आपके पास ऐसा लिख दिया इथानल है, सी एस थ्री सी एच ओ है, और एक कंडीशन आपको जो लिख दिया माय डियर फ्रेंड्स, इथानल बोलेगा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इथानल एंड लिखेगा प्रोपानल। अब मेरे को एक लफड़ा आ जाएगा कि सर ये तो दोनों एल्डिहाइड है, अब दोनों एल्डिहाइड को कैसे आपस में डिस्टिंग्विश करेंगे। बड़ा सिंपल फंडामेंटल आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना है, आपको बताओ क्या करना चाह रहे हो आप, मैं बताता हूँ क्या करना है आपको, बहुत 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 ईजी वे समझना। यहाँ पे सी एस थ्री सी ओ ग्रुप है, तो ये तो आइडोफॉर्म दे देगा सर,
ये तो आइडोफॉर्म देगा, बिल्कुल देगा बेटा, लेकिन यहाँ पे CH3CO है ही नहीं, ये आइडोफॉर्म नहीं देगा। फिर आप कंफ्यूज होंगे कि सर आपने तो बोला कि आइडोफॉर्म टेस्ट कीटोन के लिए होता है, लेकिन एक्सेप्शन है बेटा, ये एसिटल्डिहाइड में भी CH3CO ग्रुप है, जिसके वजह से एक सिंगल ऐसा एल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। दिमाग की बत्ती जली, क्लियर है बिल्कुल। तो ये आइडोफॉर्म देगा, तो ये वाला ग्रुप आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आइडोफॉर्म में। बाकी आपको पता है कंडीशन कि यहाँ पे सर 3 मोल ऑफ NaI निकलेगा सर, और बाकी ये ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा HCOOH में, H को हटा के नहीं लगाना है सर, और H2O। लेकिन वही यहाँ पे क्या लिखना है, नो रिएक्शन। पहले मुझे बताओ ये वाली बात समझ में आई तो? बहुत आसान है ना डियर स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा यहाँ से कि डिस्टिंग्विश करना और बताना है आइडोफॉर्म टेस्ट का कंडीशन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट, और डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनेगा आपके पास। तो आपको तो खैर कोई घबराने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप तो तेज हो और आपको तो आता है चीज़ें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि हाउ विल यू सिंथेसाइज प्रोपानोइक एसिड फ्रॉम एसिटिक एसिड। आपके पास लिख दिया है कि ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, इससे आपको बनाना है प्रोपानोइक एसिड, 3 कार्बन, 1 कार्बन बढ़ाना है ना। अगर 1 कार्बन बढ़ाना है माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यही बोल रहा है। तो बड़ा सिंपल कंडीशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 1 कार्बन बढ़ाना चाहते हो ना, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इसको रिडक्शन कर देते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। आप सोचेंगे सर इससे फ़ायदा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको सीधा अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, तो ये 2 स्टेप रिडक्शन करेगा CH3CH2OH। याद होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एसिड को पहले एल्डिहाइड में देन अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अब अल्कोहल से अगर 1 कार्बन बनाना है ना, तो 2 कंडीशन है यहाँ पे, क्यों ना हम इसको एल्काइल हैलाइड बना दें, डार्जन रिएक्शन करा दो अल्कोहल का, तो यहाँ Cl आ जाएगा, याद होगा कंडीशन, तो CH3CH2 और Cl आएगा और यहाँ से निकलेगा ये SO2 निकल जाएगा। अब जैसे यहाँ से डार्जन रिएक्शन बढ़ाना, इसका रिएक्शन कर दो KCN के साथ, तो यहाँ से K+ निकलेगा और CN जुड़ेगा, तो ये बनेगा CH3CH2 और CN साइनाइड बन गया। अब इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दो माय डियर फ्रेंड, साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से बनता है एसिड बनता है, तो ये बन गया आपके पास एसिड, ये कंडीशन है ना। बोल रहा था कि एसिटिक एसिड से प्रोपानोइक एसिड, 3 कार्बन देखो बन गया। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि प्रोपानोइक एसिड बनाना इथाइल अल्कोहल से। डियर फ्रेंड्स, अगर इथाइल अल्कोहल से आपको प्रोपानोइक एसिड की तरफ जाना है, तो ये हो गया ना, यहाँ से इथाइल से यहाँ शुरू करो और यहाँ तक पहुँच जाओ, इसको छोड़ दो, बोलो आया समझ में। बड़ा सिंपल तरीका है, आपको ये आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ देखो, अगला कंडीशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या बोल रहा हूँ कंडीशन, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर बोलेगा कि राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग। जैसे आपके पास एक कंडीशन लिख दिया माय डियर फ्रेंड्स, बेंजोइक एसिड, ये लिख दिया है ना, ये आपके पास है बेंजीन पे एसिड, बेंजोइक एसिड है। दूसरा कंडीशन आपके पास ऐसा लिख दिया कंडीशन, ये आपके पास है COOH है और यहाँ पे NO2 ग्रुप है, ये बेंजोइक है। और तीसरा कंडीशन आपके पास ऐसा लिख दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे COOH ग्रुप है और यहाँ पे लिख दिया आपको NO2 ग्रुप है। आपको बोलेगा कि बताओ किसका जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट आपको अगर पता हो, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं -I और इन्वर्सली टू +I, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई -I ग्रुप नहीं, यहाँ पे ये -I ग्रुप है और यहाँ पे ये भी है, ठीक है ना। अगर ऐसा कंडीशन है ना, यहाँ पे ये -I भी है, समझ रहे हो कंडीशन, ये है -I। बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको समझाना चाह रहा हूँ, जरा समझना ध्यान से। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये Cl, अब ये भी -I है, अब 2 -I है। अगर 2 -I होगा तो आपको देखना होगा कि -I इफेक्ट किसका ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा होगा उसका एसिडिक ज़्यादा, तो NO2 के -I Cl से ज़्यादा है, इसलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, तो थर्ड होगा, देन सेकेंड। यहाँ तो -I +I है नहीं, इसका कम होगा, बोलो आया समझ में, यहाँ तक क्लियर हो गया बात। तो आपको एक क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर पूछेगा, बोलेगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ क्या होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए जो होगा वो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन HBZ रिएक्शन। HBZ पता है माय डियर फ्रेंड्स किसको बोलते हैं, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है ना। हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन पे आपको शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा। अगर ऐसा कंडीशन है डियर फ्रेंड्स, तो हम करेंगे क्या सर, बहुत सिंपल है सर। अगर ऐसा कंडीशन आपके पास आता है ना HBZ, तो HBZ में आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड CO और इधर हो गया हमारे पास OH। इसका फास्फोरस के साथ हैलोजिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो ये क्या करता है बेसिकली,
ये अल्फा हैलोजिनेशन करेगा, क्या करेगा, अल्फा हैलोजिनेशन। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके बगल वाला पोजीशन ये अल्फा है, तो यहाँ पे लाके हैलोजन को जोड़ देना है। ये अगर इस नाम से याद रखोगे ना तो सब पता चल जाएगा कि इसका काम है अल्फा हैलोजिनेशन करना एच बी जेड में। तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे हैलोजन जुड़ जाएगा और बाकी ये सी ओ ओ एच बन जाएगा। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके पास इस तरह से दिखाई देगा अल्फा हैलोजिनेशन का केस। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा, और अगर पूरा पिक्चर क्लियर हुआ होगा तो मैं समझ रहा हूँ कि आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर होंगे, किसी तरह से कोई कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। और आपको जो स्लोगन मैंने दिया हूँ कि मैं भी टॉपर, आप उसी एनर्जी के साथ पढ़ रहे होंगे, और आपकी एनर्जी इतनी खतरनाक होनी चाहिए, डायनामिक एनर्जी बिल्कुल, ताकि जब आप बोर्ड में जाएं तो आपका माइंड पावर, आपका विल पावर इतना स्ट्रांग हो, आपको लगे मैं रिजल्ट करूँगा और मैं ही रिजल्ट करूँगा, और बाकी तो लोग इंजॉय करते रहें आपके साथ और आप भी मेरे साथ इंजॉय करें। दोस्त, वीडियो को शेयर भी करना है, अपने दोस्तों तक मुझे पहुंचाना है, और आपको ये भी बताना है कि आगे कौन कौन से वीडियो आपको जल्दी से जल्दी से जल्दी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।